बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद डाकखाना फिश पॉइंट पे मौजूद हैं। और आपको जैसे कि आपको मालूम है कि फिश कटाघाट लियाकताबाद की मशहूर फिश पॉइंट है, तो इस पॉइंट का हम विजिट करने के लिए आए हैं। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से वैसे कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और आइए चलिए मेरे साथ। अच्छा, हमारे साथ दोस्तों इशफाक साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ये कुक भी हैं, कटाघाट बनाते हैं। अब इनसे जानेंगे कौन कौन से स्पाइसी यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं, मछली कौन सी है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। अच्छा, ये फिश पॉइंट कब से है, तो सब डिटेल लेंगे इनसे। अशफाक अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक हो? अच्छा भाई, पहले तो ये मछली के बारे में बताओ, कौन सी मछली यूज़ करते हैं आप लोग? कौन कौन सी मछली होती है? अच्छा, बगैर कांटे इसमें कंगी होती है, कंगी वाली मछली होगी, मतलब सही अच्छी वाली मछली है, फ्रेश माल होता है। आप लोग भी खाते हैं? हम लोग खुद ही खाते हैं। पकी बात है, चलो अच्छा चलो ज़बरदस्त। तो दोस्तों अभी हम खुरपिन चला के देखते हैं ये कैसे बनाते हैं ये कटाघाट, तो आइए देखते हैं। ये कैसे इतना हेवी, तो वेट भी अच्छा खाते हैं, कैसे चला देते हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए मसाले कौन से यूज़ करते हैं आप लोग? ये गर्म मसाले होते हैं हमारे अपने, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें? ये मछली होती है, सोल होती है, गोल्डन होती है, बुसरी होती है, कारपत होती है, और मसाले हमारे खुद के अपने होते हैं, 12-13 किस्म के मसाले हैं। फिर उसके बाद गर्म मिर्ची डालते हैं, प्याज डालते हैं, फिर बढ़ा के देते हैं। दोस्तों आके इनकी राय ले रही, देखिए मछली का जायका कैसा है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह करम। ठीक हो? ठीक है। कैसे मछली भाई? भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मछली है। अच्छा, आज तो जब भी चक्कर लगता है इंशाल्लाह हम पहले ही मछली खाने के लिए आते हैं। अच्छा जी, कब से आ रहे हो? हम तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आ रहे हैं जी। तो मतलब जायका अच्छा है? जायका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह मशहूर भी बहुत है ये। अच्छा जी, हाँ बताओ भाई कैसी है मछली? मछली बहुत जायकेदार है, बहुत प्यारी मछली बनी है, अच्छी बनी है। अच्छी बनी है जी, लगता है मिर्ची भी ठीक ठाक लगी हुई है आपको, मसाला भी अच्छा डाला था तूने इसलिए? हाँ जी, मतलब जायका है। जायका चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? सर ये मछली के बारे में बताइए, कैसी है मछली? मछली बहुत अच्छी है, खाने में टेस्ट है इसका, जायकेदार है। जायकेदार। कहाँ से हैं आप? मैं केमारी से आया हूँ। केमारी से? स्पेशल मछली खाने के लिए? जी जी। तो मतलब कब से आ रहे हैं? मैं तो इधर काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जायका है? जायका है। आप सर बताइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मछली? मछली ज़बरदस्त होती है। कहाँ से हैं? मैं यहीं का लियाकताबाद से। लियाकताबाद से ही है? तो डेली आते होंगे फिर तो आप? नहीं, कभी कभी 2-3 दफ़ा आता हूँ लगता है। कितना सालों से आ रहे हैं फिर? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी इस होटल के इस मालिक से बात करते हैं, मलिक साहब से, तो आइए देखते हैं। ये यहाँ के ऑनर हैं, तो उनसे पूछते हैं ये कब से इस पॉइंट चला रही है। बताएं कि ये जो अपना फिश पॉइंट है कब से है? ये सर तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए माशाल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने शुरू करा था 50 साल पहले। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है 50 साल से एक ही जगह है कि प्यार। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, फिश कटाघाट लियाकताबाद खाना। पहले सेटअप आपका दिक्कत है कि सिर्फ खाली ठेले पे था? जी जी। तो बाकी खाली सेटिंग एरिया आगे अपने बना तो दिया, 3 महीनों से हमने सेटल करा है। पहले वहाँ पर जगह बहुत कम थी, फैमिली की जगह नहीं, जब ये फैमिली की जगह बराबर, फैमिली का अलग बनाया, वो सर अलग बनाया, बराबर में जगह है, अच्छी जगह है, ये साफ़ सुथरा इंतजाम है, लोगों के सामने लोगों को बना के देते हैं माशाल्लाह। कस्टमर भी मुतमिन है, और कस्टमर से भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह अच्छा रिव्यू। नहीं माशाल्लाह, मैंने देखा और खुद मैंने इसको टच किया है। जी जी, मेरे घर में हमेशा जाते रहते हैं, यहाँ पे मूड हो, जैसे कि आज मैं अपने घर के लिए लेने के लिए आया, तो मैंने कहा चलें भाई साहब से मिलेंगे। बहुत माशाल्लाह, बहुत पुराने कस्टमर हमारे, बहुत पुराने जो अपने बच्चों को लेके आकर, जो अपने बाप दादा के साथ आया करते थे, आज माशाल्लाह अपने बच्चों को, माशाल्लाह बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े पुराने पुराने कस्टमर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ की टाइमिंग भी बता रहे, टाइमिंग क्या सर? टाइमिंग इसकी दोपहर 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम टाइमिंग होती है, मतलब 1 बजे के बाद। अच्छा 1 बजे तक, और 130 रुपये की हम प्लेट देते हैं, 250 रुपये की पाव है, 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये के जी हो गया। तो सीक्रेट क्या आपके माशाल्लाह मछली का जो जायका है? ठीक है, मछली तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन जायका हर जगह का नहीं होता सर। ये बगैर कांटे की मछली है, सबसे बड़ी बात है मछली हम खुद लाते हैं, किसी से खरीदते नहीं हैं। अच्छा, खुद खरीद के खुद लाते हैं, ताज़ा माल लाते हैं, सीक्रेट यही हमारा।
और हमारे अपने मसाले हैं माशाल्लाह, जितना तैयार करते हैं लोगों को पेश करते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं। तो आपकी चटनी भी माशाल्लाह बड़ी लाजवाब है। चटनी में आपको पता धनिया पुदीना कुदाई मिर्ची होती है, मिर्ची तो वैसे ही आपको पता है जान ले भाई, बाकी बहुत जबरदस्त चटनी है। अच्छा, उसके बाद मेहनत होती है, वैसे नहीं बनती चटनी, ये नहीं हर जगह ये चीज़ नहीं है, मतलब मेहनत होती है जब तो आप भी बना लेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपके मसाले भी अपने सारे, ये अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें आपकी अपनी, चटनी भी अपनी तरह के रखते। बड़ी बात है, हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी मेहनत, हमारे जो बड़े उन्होंने रात दिन मेहनत करी जब जाके यहाँ पर, ये आपको पता है शुरू में आज से 50 साल पहले कितनी बिक्री होगी, 5 किलो 6 किलो मुश्किल को, आज अल्लाह का शुक्र है ये कस्टमर खुद आए खुद लेके जाए उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर उसको घर पर पेश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जहाँ आएगा टोकन लेगा जाएगा लाइन में खड़ा होगा बनेगा उसके सामने, उसका अपना मज़ा होगा। हम फखर से बोलते हैं 50 साल से एक ही जायका है कि यार अल्लाह का शुक्र ठीक है, हमने बोर्ड पे भी लिखा हो चले दोस्तों भी इंशाल्लाह अभी हम अपने घर के लिए भी पार्सल करवा रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।